परमेश्वर के नाम में आप सभी को नमस्कार। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि आज का ये समय परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दिया है कि उसके नाम की हम लोग बड़ाई कर सकते हैं, उसके नाम की हम लोग महिमा कर सकते हैं, उसके नाम की हम लोग हमदोसना कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है ताकि हम उसके कलाम के बारे में सीख सकें, उसके वचन को अपनी जिंदगी में उतार सकें। इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें, एक छोटी सी दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, आप जो स्वर्ग में विराजमान हैं, आप जो हमारे बीच में हैं, आप जो हमारे दर्शकों के साथ हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका आज के सच्चे समय के लिए। जो कुछ भी आज आपके वचन से हम सीखने जा रहे हैं, आप हमारी मदद करें, सहायता करें कि उसके अनुसार हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करने वाले बन सके। हर एक की आप सहायता मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरह से हम मसीह कहलाए जाते हैं, हम इसलिए नहीं कि हम हमारे माता पिता या हमारे बुजुर्गों ने इस मसीहत को ग्रहण किया, नहीं, इसीलिए क्योंकि हम और हमारे पूर्वजों ने या हमारे साथियों ने या फिर आज से 2000 साल पहले जो लोग थे उन्होंने मसीह की शिक्षा को ग्रहण किया, इसलिए उन्हें मसीही कहा गया। लेकिन आज आपके और मेरे बीच में जो मसीही शब्द है उसकी क्या महत्वता रह गई है, हमारे लिए उसकी क्या वो महत्वता छोड़ जाता है, वो शब्द जिसका अर्थ है मसीही, यानी कि मसीह के पीछे चलने वाला, द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। अगर हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं और मसीही कहलाते हैं तो हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है आज आपके और मेरे लिए। हम उस जीवन शैली को जो एक मसीह की होनी चाहिए, क्या हम उसके अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं, आज के वचन पर चलना चाहूंगा। इससे पहले कि हम आज का वचन पढ़ें, बहुत समय पहले की बात है जब मसीहत अपने चरम सीमा पर थी, जब यीशु मसीह का काम लोगों के बीच हो रहा था, जब वो आसमान पर उठा लिया गया, उसके बाद उसके चेले और बहुत सारे लोग जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने यीशु मसीह के उन कामों को जो उसने इस धरती पर रहकर किए, उन कामों को जिसको उन्होंने बहुत सारे लोगों के मध्य में किया, वो सच्ची शिक्षा जो उसने हम तक पहुँचाई, उसको फैलाने में लोग अपनी जिंदगी को यीशु मसीह को सौंपने के लिए तैयार थे। और उस समय की बात है जब कुछ लोग सामने आए और उन्होंने मसीहियों को एक किताबी लोग कहकर जो है उनको एक शीर्षक दिया, मसीह लोगों को किताबी लोग कहा गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, मैंने भी यही सोचा था कि ऐसा क्यों, क्यों जो है मसीह लोगों को किताबी लोग कहकर उन्होंने पुकारा। अगर आप मसीही इतिहास को पढ़ें तो आप पाएंगे कि किताबी लोग उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपना
जीवन अपनी जिंदगी को परमेश्वर के कलाम के अनुसार लिया, उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर वो चले और उन्हें शीर्षक दिया गया किताबी लोग। क्या आज आपको और मुझे लोग कुछ इस तरह का शीर्षक देते हैं? मैं फिर से उस स्टेटमेंट को जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी कि जाओ और दुनिया के लोगों को मेरा चेला बनाओ, जाकर उनको मसीहत का प्रचार करो। बहुत सारे लोग आज मसीहत का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि हम किस तरह से मसीही का नाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाए। लेकिन हमारी जो जीवन शैली है वो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन शैली की मसीही का प्रचार करने में। किस तरह से यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, किस तरह से उसने जगत का उद्धार किया, किस तरह से उसने लोगों को बचाया उस पाप की गंदगी से, हमारा जो जीवन है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आइए इस जीवन शैली के लिए इसका जो पहला कदम है उसको हम आज सीखें परमेश्वर के कलाम के अनुसार। मेरे साथ निकाल दें फिलिपियों की किताब उसका 5 अध्याय, उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत। आइए पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत जो हम पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये है मसीही जिंदगी के लिए पहला कदम। अगर आप और मैं मसीही हैं या फिर मसीही को का पीछा करना चाहते हैं तो ये आयत आपके और मेरी जिंदगी में होनी चाहिए कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा उसका चाल चलन था, जैसा उसका उठना बैठना था, जैसा उसका चलना फिरना था, जैसा उसका बोलना था, वैसा ही हमारा भी हो। यह इसलिए नहीं कहा गया, आजकल अगर हम देखें, अगर मैं एक रोल मॉडल की बात करूं, यानी कि प्रेरित जो स्रोत होते हैं जहां से हमें प्रेरणा मिलती है, जिन लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है, अगर मैं उनके बारे में बातचीत करूं तो आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है प्रेरणा स्रोत मिलेंगे। वो अलग अलग रोल मॉडल को जो है अपना एग्जाम्पल बनाते हैं, अपना उदाहरण बनाते हैं ताकि उनके जैसे वो अपने जीवन को बना सके। बहुत सारे लोग अगर आप दुनिया में पूछें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें कि आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत जिंदगी में बनाते हैं, किसके जैसा आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा इस बात को अपने जीवन में पाएंगे। अगर आप पूछें खास करके किसी नवयुवक से, किसी यूथ से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई और, अगर आप उनसे पूछें तो जो डांस या नाचने में विश्वास रखते हैं, जिनको अच्छा लगता है, वो बोलेंगे कि मैं उस आदमी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, अपना रोल मॉडल मानता हूँ, मैं उसके जैसा डांस करना चाहता हूँ जैसे कि माइकल जैक्सन या कोई और दुनिया के बहुत बड़े जो जिन्होंने डांस के क्षेत्र में अपना नाम किया, उनके जैसा। अगर कोई एक्टिंग के क्षेत्र में कहे तो बोलेंगे जी मैं इस एक्टर की तरह अपना नाम करना चाहता हूँ, इसके जैसा। यानी कि वो उनके लिए एक रोल मॉडल, यानी कि प्रेरणा स्रोत, उनको देखकर उनकी जिंदगी ने में उन्होंने खुद को प्रेरित किया कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी इसके जैसी हो। लेकिन मसीहियों के लिए क्या है प्रेरणा स्रोत? कहाँ से मसीहियों को वो प्रेरित होते हैं? क्या आपने कभी सोचा आप किससे प्रेरित हैं? आपका प्रेरणा स्रोत क्या है? अगर आपने आज तक नहीं सोचा तो यह समय है आपके पास सोचने के लिए कि मेरे जीवन का प्रेरणा स्रोत क्या है, कहां से मुझे प्रेरणा मिलती है, मेरा रोल मॉडल कौन है। क्या कभी आपने सोचा? अगर नहीं तो यह समय है, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो सोचिए कि मेरे जीवन का रोल मॉडल कौन है। अगर मैं देख कहूं कि जिंदगी का रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, किस तरह का जो है जहां से मुझे प्रेरित मिलती है वो व्यक्ति किस तरह का होना चाहिए, तो आप सोचना शुरू कर दें। रोल मॉडल यानी कि प्रेरणा स्रोत, आप सोच रहे होंगे इस वक्त कि प्रेरणा
जिसका नाम हो, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, या जो मशहूर हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वो मशहूर होना चाहिए ताकि जब आप उससे प्रेरित लें तो आप ये भी सोचें कि मैं मशहूर हो जाऊं दुनिया के लोगों में, या फिर ऐसी बहुत सारी यानी कि उसकी अच्छी आदतें हों, ये भी आपने सही सोचा कि उसकी अच्छी आदतें हों, वो अच्छे काम करता हूं, ये भी आपने सही सोचा। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वो ट्रू रोल मॉडल है आपकी जिंदगी में, यानी कि वो सच्चा प्रेरणा स्रोत है आपकी जिंदगी में, कौन हो सकता है एक मसीह के लिए? क्या मैं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या माइकल जैक्सन एक मसीह के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ा सिंगर या डांसर क्या एक मसीह जिंदगी के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है? हो सकता है कि मेरे जो शब्द हैं वो थोड़े कड़वाहट से भरे हों, पर मेरे प्यारे दर्शकों, एक मसीही जिंदगी के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, जहां से हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें हमारी जिंदगी को प्रेरित करता है, वो बहुत जरूरी है कि हम सोचें कि हमारा प्रेरणा स्रोत कौन है, कहां से हमें प्रेरणा मिलती है। एक रिसर्च के अनुसार, एक रिसर्च की गई और उसके अनुसार बताया जाता है कि हमारे मोस्टली जो युवक जो लोग हैं, जो नवयुवक हैं, जो युवक क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, तीन में से दो, ज्यादातर तीन में से दो ऐसे नवयुवक हैं जिनकी जिंदगी का जो प्रेरणा स्रोत है या जहां से वो प्रेरित होते हैं, जिनसे वो प्रेरणा लेते हैं, वो उन लोगों से लेते हैं जिनको वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आप माइकल जैक्सन को जानते हैं? क्या आप उस बहुत बड़े डांसर को जिसने अपने क्षेत्र में नाम किया है, क्या आप उसे जानते हैं? शायद आप उसे पहचानते होंगे पर जानते नहीं होंगे कि उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, कैसे वो लोगों से बातचीत करता है, कैसे वो लोगों से के साथ व्यवहार करता है, शायद हम उसके बारे में नहीं जानते। और मसीह की जो जिंदगी है वो पहचानना नहीं, किसी को जानना है। हो सकता कि आप उस व्यक्ति को पहचानते होंगे, जब भी आप कहीं टीवी में देखें या आमने सामने देखें या कहीं भी आप देखते होंगे तो आप उसे पहचानते होंगे कि ये बहुत बड़ा नाम है इसने अपने क्षेत्र में किया हुआ, ये इसको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। पर मेरे प्रिय दर्शकों, शायद आप उसकी जिंदगी को नहीं जानते होंगे, शायद आप उसके जो व्यक्तिगत जीवन है उसको नहीं जानते होंगे। कैसे हम जानेंगे किसी के व्यक्तिगत जीवन को? जब हम किसी के साथ समय व्यतीत करते हैं। कभी आपने माइकल जैक्सन के साथ समय व्यतीत किया? शायद मैं सोचता हूँ कि नहीं किया होगा। या आपने कभी किसी बड़े जो आपका रोल मॉडल है उसके साथ आपने कभी समय व्यतीत किया? मैं नहीं सोचता हूँगा कि आपने उसके साथ समय व्यतीत किया होगा। उसके बारे में कुछ बातें सुनी होगी, शायद न्यूज़पेपर में या किसी आर्टिकल में या किसी मैगजीन में या टीवी के किसी न्यूज़ में, पर शायद आप उसके जीवन के बारे में नहीं जानते होंगे। आज आपके और मेरे लिए अगर आपकी ज़िंदगी का रोल मॉडल कोई और है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपके लिए आज आपका रोल मॉडल के लिए एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ, और वो है फिलिपियों उसका 2:5, कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी हो। और उस रिसर्च के अनुसार जिसकी मैं बातचीत कर रहा था कि तीन में से दो ऐसे नवयुवक हैं जो अपने रोल मॉडल को उन लोगों को बनाते हैं जिनके साथ वो ज़्यादा समय बिताते हैं, यानी कि जिनको वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, या तो उनका टीचर या उनके कोचेस या फिर उनके पेरेंट्स या उनके कोई अच्छे दोस्त उनको जो है वो अपना रोल मॉडल सोचते हैं कि मैं, मेरी जिंदगी भी इसकी तरह हो। मेरे प्रियजनों, आपकी जिंदगी का रोल मॉडल कौन है? आपकी जिंदगी का वो प्रेरणा स्रोत कौन है जहां से आपको प्रेरणा मिलती है, जहां से हम अपनी जिंदगी को प्रेरित करते हैं कि मेरा जीवन भी इसकी तरह हो? तो आज शायद आपको वो रास्ता मिल गया होगा कि मेरा जो जीवन का जो स्रोत है, प्रेरणा का जो स्रोत है, वो कहां से मिले। आइए कुछ और वचन हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम से और जानते हैं अपने उस प्रेरणा स्रोत के बारे में, उस रोल मॉडल के बारे में। सबके रोल मॉडल होते हैं, सबके प्रेरणा स्रोत होते हैं, लेकिन वो परिपक्व यानी कि परफेक्ट रोल मॉडल कौन है जिसके बारे में हम आज सीख रहे हैं। आइए मेरे साथ निकालें इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 7 आयत। इब्रानियों उसका 13 अध्याय
उसकी 7 आयत। यहां परमेश्वर का कलाम जो है हमसे कहता है, यहां इस प्रकार से लिखा गया है, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा गया है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। देखिए यहां पर परमेश्वर का कलाम भी हमें एक हिंट दे रहा है, एक चिन्ह दे रहा है कि हम किसको अपना प्रेरणा स्रोत चुने। हो सकता है कि वो लोग जिनको मसीह ने चुना, हो सकता वो लोग जिन्होंने मसीहत में अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, या कोई भी हमारे पायोनियर्स पुराने लोग जिन्होंने परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन दे दिया, वो हो सकते हैं हमारे रोल मॉडल। यानी कि पर हमारा परफेक्ट रोल मॉडल जो है, जो जो परिपक्व प्रेरणा स्रोत है, वो केवल और केवल यीशु मसीह है। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम यीशु मसीह को तो शायद पहचानते, यीशु मसीह के बारे में हमने सुना है बाइबल में या फिर किसी आर्टिकल में, या किसी ने आपको सुनाया होगा, या आपने टीवी में देखा होगा, शायद आप यीशु मसीह के बारे में जानते होंगे। पर मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय दर्शकों, हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की बात होगी कि हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं पर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं ना कि यीशु मसीह को। अगर हम यीशु मसीह को जानते होते तो हमारा जीवन भी बिल्कुल यीशु मसीह जैसा होता, हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह जैसा होता। जो इस प्रोग्राम के आगे के जो और भी हमारे जो शुभ संदेश होंगे, आप उसमें पाएंगे कि किस तरह से हमारा जो जीवन शैली है वो यीशु मसीह के जैसी हो, किस तरह से हम अपने जीवन को यीशु मसीह के जैसा बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने चाल चलन को, हमारे बोलने को, हमारे उठने बैठने को, हमारे देखने को, हमारे सोचने को, हर एक चीज को यीशु मसीह जैसा बना सकते हैं। और यह हमारे लिए अत्यावश्यक है अगर हम उस स्वर्गीय जगह के जो है वारिस बनना चाहते हैं, अगर हम उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं। और हम सोचते हैं कि हर एक मसीह का जो अल्टीमेट गोल है, यानी कि जो संपूर्ण जो लक्ष्य है, जो अंत का जो लक्ष्य है, वो यही है कि हम अनंत जीवन को पाना चाहते हैं। आज मसीही जीवन में बहुत सारे जो नवयुवक हैं, खास करके उनके जीवन के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो उन्होंने बदल लिए हैं। वो उन लोगों को जिनके जीवन के बारे में वो नहीं जानते हैं, उन लोगों को उन्होंने अपना प्रेरणा स्रोत बनाया है। मेरे प्रिय दर्शकों, खास करके नव युवक और युवतियों, आज एक रोल मॉडल के लिए हमें रास्ता मिला, एक प्रेरणा स्रोत के लिए हमें रास्ता मिला। यीशु मसीह ने किस तरह से अपने जीवन को चलाया, मैं आपके साथ जो हमारा अगला प्रोग्राम का शुभ संदेश है उसमें मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से मसीह ने अपने आप को एक परफेक्ट रोल मॉडल बनाया और किस तरह से हम अपने आप को दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। क्या आप किसी के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनना चाहेंगे? जिस तरह से पौलुस भी कहता है कि जिस तरह से मैंने अपने आप को मसीह का जैसा बनाया है, वैसे तुम भी मुझे देखकर अपने आप को मसीह के जैसा बना लो। प्यारे दर्शकों, हो सकता कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सा लगता हो कि मैं कैसे मसीह यीशु के जैसा जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, मैं कैसे खुद को मसीह के जैसा चला सकता हूँ, मैं कैसे खुद को यीशु मसीह के सोच विचार में मिला सकता हूँ। मेरे प्रियजनों, हम कर सकते हैं। हमारे जीवन में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। हम लोग असमर्थ नहीं हो सकते क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। यानी कि मैं वो सारी चीजें यीशु मसीह के जरिए से कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। आमीन। इस वचन के लिए
हमें हर एक जीवन में हर एक बात को करने के लिए या उसके अनुसार चलने के लिए हमें सामर्थ्य देने वाला एक ही है, वो है यीशु मसीह। एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे साथ अगर आप निकाल दें नीति वचन की किताब उसका 30 उसकी 20 आयत जो हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका जो है 13 अध्याय उसकी 20 आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि हम एक मसीह के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारा जीवन जो है वो इस कलाम के अनुसार, इस वचन के अनुसार हो, परमेश्वर के जो वचन हम तक पहुँचे हैं इसके अनुसार हम अपना जीवन बिताएं, ना कि किसी के सुनने के अनुसार, ना कि किसी के कहे अनुसार, पर सिर्फ वही जो परमेश्वर के कलाम में लिखा गया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है नीति वचन उसका 30:13 उसकी 20 आयत, यहाँ ये कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। देखिए परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से, बहुत ही साफ तरीके से हम लोगों को निर्देश देता है कि हमारा जो जीवन है वो किसके साथ होना चाहिए, हम किसके साथ अपना जीवन जो है उसको व्यतीत करें, कैसे जो हम अपने जीवन को एक मसीह होने के नाते व्यतीत करें, और वो है बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। और इंग्लिश में एक वर्ड है ओमनिशियंट, यानी कि जिसको जिसके पास सबसे ज़्यादा जो है ज्ञान है, सर्वज्ञानी जिसको हम कहते हैं, और वो एक ही है, वो है यीशु मसीह। बुद्धिमानों का बुद्धिमान, ज्ञानियों का ज्ञानी, विद्वानों का विद्वान, अगर वो हमारी ज़िंदगी का रोल मॉडल है, अगर वो हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत है, अगर हम उससे अपने जीवन को प्रेरित करते हैं तो सोचिए हमारा जीवन कितना फलवंत होगा, कितना आनंदमय होगा, कितना खुशनुमा हमारी ज़िंदगी का वो समय होगा जिसमें जब हम अपने जीवन को यीशु मसीह को, अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना एक प्रेरणा स्रोत यानी कि एक रोल मॉडल बनाते हैं, ना कि केवल सिर्फ रोल मॉडल पर परफेक्ट यानी कि परिपक्व प्रेरणा स्रोत अपनी ज़िंदगी का। सोचिए इस वक्त अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस शुभ संदेश को अगर आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, सोचें, हम सोचें कि हमारे जीवन का वो प्रेरणा स्रोत कौन है, किसको हम अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं, किसके जैसा हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। आज ये शुभ संदेश आपके और मेरे लिए है, आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के इस वचन के अनुसार ले, आइए आज हम परमेश्वर ने जो बातें हम तक पहुंचाई है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ना कि दुनिया के उन लोगों तक जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है उन लोगों को देखने के लिए, लोग तरस जाते हैं कि हम अपने रोल मॉडल को देखें, पर हमारा रोल मॉडल हमारे साथ है, हमारा वो प्रेरणा स्रोत हमारे साथ है कि हम किसको अपना प्रेरणा स्रोत जो अपनी ज़िंदगी में बनाए। मेरे प्रियजनों, इससे बेहतरीन प्रेरणा स्रोत और कोई नहीं हो सकता हमारी ज़िंदगी के लिए, कोई भी नहीं। एक स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहूँगा, हमें जो है परमेश्वर में बुलाया गया है ताकि हम लोग जो हैं एक ऐसी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें जिसमें हम सोचें, महसूस करें और अपना जो जीवन है उसको स्वर्गीय सिद्धांतों के अनुसार चला सकें। आइए हम अपने जीवन को स्वर्गीय सिद्धांतों के अनुसार चलाएं, जो सिद्धांत स्वर्गीय हैं। अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अगर हम वो अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो अपने जीवन को स्वर्गीय सिद्धांतों के अनुसार चलाएं। हम में भी कह सके कि ये किताबी लोग हैं, अर्थात ना कि किताबें पढ़ने वाले लोग पर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले लोग, यानी कि इस किताब, इस परमेश्वर के कलाम के अनुसार जीवन को चलाने वाले लोग। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जब हम अपनी ज़िंदगी के उस परिपक्व प्रेरणा स्रोत को चुनते हैं, जब हम उस परफेक्ट रोल मॉडल को अपने जीवन का अपने जीवन के लिए चुनते हैं, प्रेरित होते हैं और अपने आप को समर्थ करते हैं अनंत जीवन पाने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम दुआ करें
कि हमारे जीवन का जो रोल मॉडल है, हमारे जीवन का जो प्रेरणा स्रोत है, वो केवल और केवल यीशु मसीह हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज हमें भी ये सामर्थ्य दें, ये शक्ति दें, ये अच्छी सोच दें कि हमारे जीवन का जो जो प्रेरणा स्रोत है वो केवल आप ही बने। हम आपको ही अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत चुनें। जिसको मुसीबत या परेशानियां उठानी पड़ती है आपको एक प्रेरणा स्रोत चुनने के लिए, मेरी दुआ है कि आप हर एक की मदद करें पवित्र आत्मा की ओर से, ताकि हमारा जीवन वैसा ही हो जैसा आपका जीवन इस दुनिया में था। हम सबकी सहायता और मदद करें उस स्वर्गीय राज्य की ओर बढ़ने के लिए। ये सब हम आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष।